बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रात के 4:15 बज रहे हैं और हो सकता है आप ये वीडियो सुबह में देखें, दिन में देखें, शाम में देखें, जिस वक्त भी देखें, सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए वीडियो बनाइए। हमने एक ऐलान किया था कि हम नश्तर पार्क ग्राउंड को राशन के बोरों से भरेंगे और 3 से 4 दिन में, और उसको तमाम राशन को, जैसे पहले जो ट्रक जा रहे थे वो SSU के थ्रू जा रहे थे, अभी ये सारे राशन जो है SSU के थ्रू एयरफोर्स तक जाएंगे, फिर एयरफोर्स उसको पहुंचाएगी। और मैं समझता हूं कि हमने 3 दिन के अंदर ये टारगेट पूरा किया आपकी मदद से। कराची के लोगों ने कमाल भरोसा किया, मतलब हमने बोला हमें खुश्क दूध दे दो, हमें बिस्किट दे दो, हमें चना दे दो, पहला मरहला है पक्की भी चीज पहुंचानी है, 3-3 लाख कार्टन दिए, शुक्रिया। पूरी दुनिया में जहां लोग बैठे पाकिस्तानी, आपका शुक्रिया। कराची वालों ने तो कमाल कर दिया, डिफेंस कलेक्टर वालों ने कमाल कर दिया। अब हमने बोला दूसरे मरहले में आगे राशन देना है, हमने बोला अभी आप रुकिए, अभी जो पैसे हमारे पास बचे हुए हैं हम एडी मलिक साहब, शाहिद कुरैशी साहब, बैरियटाउन की कंट्री है, हम मिलके करें। हमने अभी 25,000 बोरे शुरू किए कि बैरियटाउन के मालिक जो है मलिक रियाज साहब, उनका फोन आ गया कि 25,000 बोरे मेरी तरफ से। हमने कहा सही है, हम इसके साथ साथ नेशनल स्टेडियम भी ले लेते हैं, 50,000 बोरे वहां तैयार करते हैं, 25,000 बोरे। आज शदीद बारिश जब हुई है उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोरे सब, चूंकि हमारी हर चीज थैली के अंदर थी, आटा भी थैली में था, दालें सब खैरियत के साथ लोड होके एयरफोर्स के हवाले हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जगह पढ़ा, एक बहुत बड़े मुल्क ने इमदाद दी, रेडी फूड दिया 500 टन, हमारे छोटे से एक इदारे ने आपके एतमाद की वजह से 485 टन इमदाद राशन अपने भाइयों के लिए दिया। गैर मुल्की इदारे ने नहीं, पाकिस्तान का इदारा, कराची का इदारा, छोटी सी NGO JDC, टीवी पे हम भी बैठे लेकिन हम बताते थे बैठ के, आज इतने 100 ट्रक निकले, आज इतने 100 ट्रक निकले, आज यहां खाने का सेटअप ऑन हो गया, आज यहां खेमे लग गए, आज यहां खेमे लग गए, आज यहां खेमे लग गए, और फिर एक वक्त ऐसा आया हमने चैनलों से माजरत करना शुरू कर दी, बैठने का टाइम नहीं। बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसियों ने रब्ता किया कि एड चलाइए, एड चलाएं, मैंने कहा फ्री में चला रहे हैं, चला दें, उन्होंने कहा नहीं इसके तो पैसे होते हैं, हमने हमारे पास इस मत के पैसे नहीं है। तो एक बार फिर सबका शुक्रिया, आपके भरोसे की वजह से ये ऑपरेशन इतनी स्पीड में चल रहा है। देखें खाली कि खेमों की सिटी लग किस स्पीड से रहे और क्या रफ्तार है, क्या खेमों का साइज है, क्यों निजामुद्दीन से ही खरीद रहे हैं भाई, क्योंकि सबसे नंबर वन मुझे तो वही लग रहे हैं, ठीक है जो भी उनका रेट है हम ले रहे हैं। 45,000 मच्छरदानियों को ऑर्डर कर रहे हैं। अभी एक वीडियो में मैं लोगों से अपील करूंगा कि भाई खुदा के लिए जो जानवरों वाली मच्छरदानियां जो 2010 में दी गई थी लोगों को, जो बना सकता है बनाए, दे हम देंगे, बचाएं जानवर, उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा फिर उनके घरों में। तो भाई रेडी करना, आगे हमने बात की है, शाहिद कुरैशी साहब से बात की है, हमने मलिक रियाज साहब से अपील की है, हमने आदिल मलिक साहब से अपील की, मैं तमाम डोनर से अपील की, जब वक्त आएगा घर बनने का हम आपको बता दें। 5 लाख का घर है, 8 लाख का घर है, हो सकता है होगा, मुझे नहीं मालूम। हमने जो वहां ग्राउंड पे वर्किंग की है, जो हमें लोग मिले उन्होंने कहा भाई हमारा घर खड़ा हो रहा है, दीवारें उसके ऊपर लकड़ी की छत, उसकी एक कॉस्ट उन्होंने बताई बहुत ही कम है, हम आपको बता दें। लेकिन आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करूं, आपका एतमाद था, आपका भरोसा था, ना पहले कभी तोड़ा है ना आइंदा कभी तोड़ेंगे, और इसी तरह काम जारी है, अभी रुका नहीं है, चलता रहेगा। अभी मेडिकल कैंप लग रहा है, 100 डॉक्टर जा रहे हैं SSU के साथ, DIG मकसूद मेमन साहब के साथ मिलकर दवाइयां भी दे रहे हैं, मशीनें भी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, चलता रहेगा ऑपरेशन। अभी जैसी बारिश रुकेगी दोबारा राशन की पैकिंग शुरू हो जाएगी। अभी हमारी रेंजर्स के साथ भी बात चल रही है, 50,000 बोरे राशन पैकिंग की, हम उनको भी दे देंगे 50,000 बोरे बना के, जैसे ही वो हमें जगह बताएंगे ये ग्राउंड में। तो बस बारिश रुक जाए 3-4 दिन, लेकिन सब ये जब तक ये लोग अपने घरों में ना चले जाए हमें सिलसिला जारी रखना है। आफत आई है, बहुत सारे लोग जुमले बोल रहे हैं टीवी के ऊपर, ऐसे वैसे ये वो बोलते रहे, मसला नहीं, लेकिन हमें इस आफत में उनका ख्याल रखना है। हमारे शहर पे इस वक्त डेंगू दोबारा लागू हो रहा है, जिधर देख रहे हैं क्लिनिक, अस्पताल, इमरजेंसियां, वार्ड भरे में, जफर भाई 2 बोतल प्लेटलेट चाहिए, 1 मिनट प्लेटलेट चाहिए, कौन से अस्पताल लेकर जाए, कोई अस्पताल ले नहीं रहा, ये भी शुरू हो चुका है। बार बार कह रहा हूं कहां से मिलेगा स्प्रे, कहां है मशीनें, हमें दे दें, हम खरीद के करवा देंगे कराची भर में। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, और ये ताउन जारी रहा अगर आपका तो इंशाल्लाह ये ऑपरेशन रुकेगा नहीं जब तक मुतासरीन अपने घर नहीं पहुंच जाएंगे। एक बार फिर आपका शुक्रिया, अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो इतना बड़ा इमदादी राशन जिसके लिए जो बड़े बड़े बैरून ममालिक ने दिया है, तो 500 टन, तो यहां 480 टन तो कराची पाकिस्तान वालों ने उठाकर अपने भाइयों के लिए दे दिया, शुक्रिया आपका। और ये अब जो अगली पैकिंग होगी वो 1,000 टन होगी, बहुत शुक्रिया। जो कहते हैं हम करके दिखाते हैं, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। एक बार फिर आपका शुक्रिया, आपकी फैमिली का शुक्रिया, माओं का शुक्रिया, तमाम जितने भी आपके
दोस्त अहबाब सब जो जो इसमें शामिल रहे, आपके वालिद, आपकी जो भी रिश्तेदार दोस्त है, जो जो जुड़ा, जिसने दर्द महसूस किया और जिसको पता है जेडीसी कैसे काम करती है, उन जो जिसने जो भरोसा किया, सबका शुक्रिया। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे, हमें और आपको वो मुतासरीन दुआओं में याद रखेंगे। अगर वो कोई नहीं भी दे पाएगा दुआ, तो अगर हम उनके लिए एफर्ट्स करें, परवरदिगार आलम की रहमतें आप तक भी पहुंचेंगे और उसको आपको पता भी चलेगा कि कहां से आपकी जिंदगी में ये बेहतरियां आ रही हैं, और आप सबको, आपके मरहूमिन को भी इसका सवाब मिलेगा कि आपने किसी मुसीबत ज़दा के लिए कोशिश की। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। हम चूंकि जाग बहुत ज्यादा रहे, इसलिए अल्फाज मेरे पास नहीं है। मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं।